हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है MGCI के यूट्यूब चैनल में। एंड वंस अगेन मैं नरेंद्र कलोशिया आज लेकर आया हूँ आपके लिए लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी। पिछली बार भी कई बार हमने बात की थी कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने आपको कुछ गाइडेंस किया था कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अगेन लास्ट मोमेंट में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में खास करके किन चैप्टर्स पर फोकस रखना है, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा एक डिटेल एनालिसिस है एंड उसको आगे बढ़ने से पहले अपन एक बात को समझ लें कि 17th ऑफ जुलाई जो आपका फाइट डे है, जैसा कि मैंने बताया वो बॉक्सिंग नहीं करना है आपने जाके, बट एक वॉरियर की तरह आप लोग पेश आए हैं, एक वॉरियर की तरह आपने तैयारी की है। लास्ट आपने पिछले देखा 2-3 साल में कोविड के कारण बहुत सारी क्लासेस छूटी, कई बार क्लास लगी कई बार नहीं लगी, हमें टीचर्स मिले, हम कोचिंग जा पाए नहीं जा पाए, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी, फैमिली प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी आप फाइनली एग्जाम की तरफ आ चुके हैं और आपने प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा कर लिया है, आप अब रेडी हैं अपनी एग्जाम को फेस करने के लिए। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप वॉरियर तो हैं जो यहाँ तक आ चुके हैं। सो नीट 2022 फाइनली 2 से 3 दिन बाद हमारी एग्जाम होने वाली है एंड 17 जुलाई आप वर्सेस नीट। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है, अच्छे से अपने पेपर पर फोकस करना है। वो 3 घंटे 20 मिनट का जो पेपर है आपका, ज़रूरी नहीं कि वो कैसा भी हो, अच्छा जाए बुरा जाए, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर अपने को सिर्फ एक काम करना है, रिलैक्स रह के फोकस रह के आपको एग्ज़ाम को देना है, खुश रहना है, डिप्रेस नहीं होना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में एक एग्ज़ाम के अलावा की, तो खुश रहिएगा। आगे बढ़ते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज। नाउ एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम इज एन अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी लाइफ में मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको यही आपकी पहली और आखिरी अपॉर्चुनिटी है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, एक रास्ता बंद होगा 10 रास्ते खुलेंगे। फोकस रह के पढ़ाई करें, डरना घबराना नहीं है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छी लाइफ है, आगे भी हमें आगे बढ़ना है। ठीक, नाउ जब हम बात करें अपने सिलेबस की, तो मैं यहाँ फिलहाल अभी आपके पास केमिस्ट्री को स्पेसिफिकली डिस्कस करने आया हूँ। आप देखें ये हमारे 11th क्लास के सारे चैप्टर्स हैं, अराउंड ये 14 चैप्टर्स हैं हमारे 11th क्लास में, और नो डाउट अब तक आपने सारे चैप्टर्स देख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे तो मैं उनको भी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि जिन्होंने नहीं कर पाए हैं, कुछ चैप्टर छूट गए हैं, तो वो किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, नाउ यहाँ देखें अपन, तो ये आपका 12th का सिलेबस है, इसमें 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर्स ये हैं, 14 चैप्टर्स आपके 11th में, टोटल 30 चैप्टर्स हैं एंड NCERT बेस्ड एग्जाम है, NTA का नेशनल एग्जाम है, कुछ भी चीज़ें बाहर से नहीं पूछी जाएंगी। नाउ सीधे बढ़ते हैं हम, क्या करना है हमें। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज NCERT बेस्ड चैप्टर्स हैं। आप इन NCERT बेस्ड चैप्टर्स को देखें तो आपको यहाँ पे एक पी ब्लॉक एलिमेंट दिख रहा है, एक एस ब्लॉक है, एक एनवायरमेंटल, रेडॉक्स रिएक्शंस, हाइड्रोजन, सरफेस केमिस्ट्री, एक्सट्रैक्शन मतलब मेटलर्जी, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका आपको सिर्फ NCERT से रीडिंग मारना है। अगर आपने NCERT को पहले से अंडरलाइन करके रखा है, अगर आप रीडिंग लगा रहे हैं उसको, तो वेल एंड गुड। अब इतना टाइम नहीं है कि आप NCERT में एक एक पेज को रीडिंग लगाएं। अगर आपने पहले से रीडिंग लगा रखा है तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको लगता है कि हाँ इन चैप्टर्स को हम एक बार NCERT से रीडिंग लगा के कर सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर करें अभी भी, क्योंकि हमारे पास लगभग 2 दिन का समय है। लेकिन ये उसी कंडीशन में कह रहा हूँ जब आपने कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल जो फ्रेश एकदम पढ़ने बैठे हैं, जिनको लगा हो कि नहीं अभी कर लें। लेकिन जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, जिनके पास NCERT ऑलरेडी अंडरलाइंड है, वो इन चैप्टर्स को ज़रूर से पढ़ लें, इन पर फोकस रखें। क्लियर, अब थोड़ा सा एक बार बढ़ते हैं आगे। इन चैप्टर्स के अलावा ईयर वाइज वेटेज किस चैप्टर में कितना आया है, उसको कैसे सॉल्व करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये अभी अपन आगे देखते हैं। तो अभी अपन ने NCERT बेस्ड आपको सारे चैप्टर्स मैंने बताए, आप इन चैप्टर्स को NCERT से प्योरली, क्योंकि इनका क्वेश्चन कभी भी NCERT के बाहर नहीं जाएगा, डायरेक्टली पेज वाइज ही उठकर NCERT का क्वेश्चन आता है। नाउ ईयर वाइज देख लेते हैं एक बार अपन। नाउ वेटेज वाइज अगर मैं बात करूं तो आप देखें ये सामने आपको मैंने एक टेबल प्रिपेयर किया है, आप ध्यान से देखेंगे तो SPDF मतलब ये इनफैक्ट पूरा इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। आप चार जो हमारे ब्लॉक थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो चैप्टर हैं, आप उसमें से देखें आउट ऑफ 365 क्वेश्चन, मतलब ये लगभग 9 ईयर के पेपर्स का एक रिसर्च है, 9 ईयर्स के पेपर्स का रिसर्च है कि 365 क्वेश्चन में से अराउंड 66 क्वेश्चन आपके कहाँ से आए हैं, SPDF मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री से। यानी पर ईयर आपका जो है अराउंड 7 क्वेश्चन आ रहे हैं,
और प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है चैप्टर्स, इसमें से आपको कुछ अलग से बाहर से नहीं पढ़ना है, आप एनसीईआरटी का रीडिंग लगाएं आपका काम हो जाएगा। इसमें 7 क्वेश्चंस आए हैं पर ईयर, एवरेज क्वेश्चंस पर ईयर, और ये आपके पेपर का अराउंड 18% शेयर करता है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी की रीडिंग वाले चैप्टर छोड़ते हैं, बहुत सारे ये भी बुक सॉल्व कर ले, वो भी बुक सॉल्व कर ले, भाई आपका बेसिक एनसीईआरटी बुक है, आप उसको सॉल्व कर लें एक बार, आप उसको पढ़ लें तो भी आपका सिलेक्शन अच्छे स्कोर से हो जाएगा। आप देखें केमिकल बॉन्डिंग तो अराउंड 31 क्वेश्चन आए हैं और पर ईयर अराउंड 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर आप देखें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक टेबल 11 क्वेश्चन, तो आप ये पूरा टेबल देखिए, आप ये पूरा टेबल देखिए, इसमें मैंने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाइड्रोजन को आप थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट मान के चल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से पिछले 9 साल में 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब पर ईयर जो एवरेज आ रहा है वो 0.5 का एवरेज आ रहा है, तो आपके पास समय नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर डिपेंड करेगा, अगर क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, तो आप हाइड्रोजन को स्किप कर सकते हो। एंड हाइड्रोजन चैप्टर में भी मैं आपको बोलूंगा आप हार्डनेस ऑफ वाटर जरूर पढ़ के जाएं, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर आप पढ़ के जाएं, उसमें चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आएगा तो वहां से आ सकता है, फिर डिपेंड्स आपके लक पे करता है कि एक्चुअली आपने पढ़ के गया और वहीं से आया। तो आप देखें ब्लॉक केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री देखें। अब फिजिकल के ट्रेंड को आप समझ पाएंगे कि आप देखें यहां से देखिए 1111 क्वेश्चन, इधर भी वन, लेकिन आपकी 12th की जो फिजिकल है, आपकी जो 12th की फिजिकल केमिस्ट्री है, जिसमें आप देख रहे हैं सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रो, ठीक, और ये आपका केमिकल काइनेटिक्स, एक केवल सॉलिड स्टेट को अगर मैं छोड़ता हूं तो सभी में से दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं कंटिन्यूस, हर चैप्टर से दो दो क्वेश्चन आए हैं, आप देख लो कंटिन्यू फिजिकल केमिस्ट्री से 12th क्लास का। 11th के फिजिकल को देखें आप, तो ये देखिए मोल में से एक क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर से सिंगल, गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो एक बार इन चैप्टर्स का लिस्ट आप देख लीजिए, हालांकि ये डेटा आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, बट हम नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं, मुझे लगा कि मेरे को आपको ये चीजें बतानी चाहिए, हो सकता है कि अपने कुछ काम आ जाए, लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए कि फिजिकल केमिस्ट्री आप देखें 12th का हर चैप्टर से लगभग दो दो क्वेश्चन आए हैं, 11th में से एक एक आया, बट 11th का फिजिकल केमिस्ट्री में आपका थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरूर से पढ़ के जाएं। नॉर्मल आपने जो पढ़ा है उसकी तैयारी आपने अब तक काफी अच्छी की है, इस बात का ध्यान रहे, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखें आप, तो आपके पास ये लास्ट ऑर्गेनिक आता है, तो आप ऑर्गेनिक को देखें तो आपको यहाँ पे एक चीज नजर आएगा कि नोमेनक्लेचर की बात में करूं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, एक एक ही क्वेश्चन एवरेज आ रहा है। आप यहां पे देखें हेलोजन एंड हाइड्रोकार्बन, भाई हाइड्रोकार्बन जो है ना 11th क्लास, उसमें स्पेशली एल्कीन की बात करूंगा, अल्कीन और अल्काइन की बात करूंगा। आप अगर अल्कीन अल्काइन बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट के साथ अपना टॉपिक कर लेते हैं, आपका हेलोजन डेरिवेटिव कवर हो जाएगा, क्योंकि आपके 12th क्लास के हेलोजन डेरिवेटिव में ध्यान रखिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वो एक डिफरेंट है, अदरवाइज तो पूरा हेलोजन डेरिवेटिव जो आपका आया है वो 11th से आया है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कंबाइन करके बताया आपको कि आप हाइड्रोकार्बन एंड हेलोजन डेरिवेटिव को देखें 28 क्वेश्चंस हैं, एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आपके कौन कौन आते हैं, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, 29 क्वेश्चंस पर ये एवरेज 9, मतलब तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, तीन क्वेश्चन, आप देखिए जरा, अब देखिए ध्यान से, आपको देखो हेलोजन हाइड्रोकार्बन से तीन क्वेश्चन पर ईयर, और यहां पे भी देखिए 3 क्वेश्चंस पर ईयर। नाउ इसमें क्या होता है ना कि हम बड़े चैप्टर्स पे तो फोकस कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा भी पा रहा हूँ, परसेंटेज शेयर भी दिखा रहा हूँ, अराउंड ये 8% आ रहा है, अराउंड ये भी 7.67% है, लेकिन हम छोटे चैप्टर्स पे ध्यान नहीं देते। आपके छोटे चैप्टर्स, जैसे कि मैंने अभी राइट नाउ जब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक बार छोटे चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं अपन जरा, आप देखिए छोटे चैप्टर्स, ये छोटे चैप्टर्स को आप देखें तो आपको इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता पढ़ने में। ये आपका पॉलीमर, ये आपका बायोमोलिक्यूल्स, और ये आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आप देखिए ये तीन चैप्टर है ना, इधर आपका हाइड्रोजन, जैसा कि मैंने बोला आप इसको नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है ना, ये लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी चल रही है, जिन्हों बच्चों ने सिलेबस पूरा कवर करा है डेफिनेटली उन्हें सारी चीजें कवर अप करनी है, आप इस चीज पर ध्यान ना देकर। एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट सरफेस, ये ऐसे चैप्टर्स है ना बेटा कि अगर आप एनसीईआरटी का सिर्फ रीडिंग लगा जाओगे और वहां पे अगर आपको क्लिक हो गया तो वेल एंड गुड, आपके आंसर्स करेक्ट जाएंगे। जो बच्चे स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, एनसीईआरटी का अंडरलाइन करके रखा होगा, आप उसको एक बार रीडिंग जरूर लगाएं, क्लियर। तो ये वो चैप्टर्स है जिनको एनसीईआरटी से पढ़ने थे। अभी मैंने आगे आपको ये बातें भी समझा दी कि आपके पास
वेटेज वाइज तो आप देख पा रहे हैं कि SPDF में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, 7 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद हम फिजिकल की बात करें तो 12th के फिजिकल से 2 क्वेश्चन आए हैं, 11th के फिजिकल से 1-1 है। उसके बाद आप बात करें तो यहाँ पे अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो हाइड्रोकार्बन और हैलोजन डेरिवेटिव। एग्जाम के एक दिन पहले कोशिश कीजिए कि आप ना पढ़ें। आपको लगता है आप कंफर्टेबल हैं, आप पढ़ पा रहे हैं तो आप पढ़ें, अदरवाइज आप ना पढ़ें। नेगेटिविटी से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, जो आपसे आके पूछे भाई इतना पढ़ा, भाई ये पढ़ा, वो आपको कोई आके कोई नया टॉपिक दे जाए आप उसके ऊपर मत भागने लगिए। आपने जितना पढ़ लिया है वो मोर देन इनफ है, वो सफिशियंट है। आप लास्ट मोमेंट पर अगर सोचें कि मैं कोई नया टॉपिक पढ़ लूँ तो वो ठीक नहीं होगा। उससे तो बेटर आप एक काम करें कि आपने जितना पढ़ा है उसी को आप एक बार क्या कर लें, रिवाइज कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक सारी चीज़ों को अच्छे से कवर अप कर लिया होगा। और ध्यान रखिएगा, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम है, अपॉर्चुनिटी है। लाइफ में ऐसे एंट्रेंस एग्जाम और भी आएंगे, अपॉर्चुनिटीज और भी आएंगी। एक एंट्रेंस एग्जाम के खराब होने से हमें ये डिसाइड नहीं करना है कि सब कुछ खराब हो गया है। बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। जिन बच्चों ने अच्छे से तैयार कर लिया उनको पूरी MGCI टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। खुश रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, रिलैक्स रहिए और उसके बाद आगे बढ़िए। तभी तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बेस्ट ऑफ लक पूरी टीम MGCI की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच।